व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा, मैं हूँ यशवीर जमाल। व्यूअर्स, एक हमने बड़ा एक एपिसोड देखा पाकिस्तान में कि पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से उनको कन्विक्ट किया जाता है, वो कन्विक्ट होते हैं, वो अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा काटते हैं, वो उसके दौरान पहले बाहर जाते हैं, उसके बाद वो फिर खुद अपनी चॉइस पर वापस आते हैं अपनी बेटी को लेकर, और इस बीच उनकी एहलिया का इंतकाल भी हमने देखा कुलसुम नवाज साहिबा का। मैं ऑफकोर्स नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारा सब कुछ होता रहा, वो गए वो वापस आए, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान में थे, वो कानून की गिरफ्त में थे, वो अपनी सज़ा काट रहे थे कि एकदम से खबरें आना शुरू हो गई कि अब उनकी सेहत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद जो सेहत से जुड़ा सिनेरियो है उसको इस तरीके से बिल्डअप किया गया, और गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ ये बात करते हुए कि नवाज शरीफ जो है वो सुबह शाम प्लेटलेट काउंट्स की हमें खबरें आ रही थी कि बस अभी शायद वो ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे, बस पता नहीं प्लेटलेट काउंट कहाँ गिर गया, पता नहीं क्या हो गया, एक डूम्सडे सिनेरियो जो है वो पेंट किया जाता। तो थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाने से पहले ये भी कहती चलूँ कि डूम्सडे सिनेरियो भी हुकूमत ने खुद ही पेंट किया, उस वक्त हुकूमत की प्रोवाइडेड खबरें थी जिसमें हमें ये बताया जाता रहा कि नवाज शरीफ जो है क्रिटिकली इल हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उनको अगर फौरन से बाहर ना लेके जाया गया और उनको जो इलाज जिसकी उनको ज़रूरत है वो ना दिया गया तो उनकी जान का नुकसान हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक सिनेरियो पेंट किया गया बेसिकली जिसमें हमने देखा कि एक शख्स, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि सज़ा काटते काटते एक लीगल प्रोसीजर से भी गुजरे और उसके बाद हुकूमती इजाज़त के साथ पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिए गए। अच्छा, ये जो तमहीद मैंने बांधी उसका मकसद ये है कि आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं कि अब एक और सियासतदान जो है वो इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं, और अपेरेंटली उन्होंने अपनी लीगल टीम से मुशावरत का सिलसिला जो है उसको शुरू भी कर दिया है और बहुत हद तक मुशावरत जो है मुकम्मल भी कर ली है, बल्कि कुछ ज़राए के मुताबिक उन्होंने डेट और टाइम और इन चीज़ों को भी मोर और लेस फाइनलाइज कर लिया है कि वो कब तक पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहेंगे। मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, के नवाज शरीफ की सक्सेसफुल पाकिस्तान से बाहर मुंतकली के बाद अब उनको उनके कुछ लोगों ने, दोस्तों ने, पार्टी मेंबर्स ने और जो उनकी लीगल टीम है उसने ये मशवरा दिया है कि आपका भी सेहत की अगर बात करें तो जो केस है वो बड़ा स्ट्रांग है और आपको भी जो है वो अपनी सेहत के मामले को अब उठाना चाहिए और आपको भी इसी प्ली के ऊपर पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। और मेरी तरह के मुताबिक जो लीगल टीम है वो काफ़ी हद तक इस सारे मामले को देख चुकी है, तय कर चुकी है, और एक जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या क्या ग्राउंड है जिसकी जो लिया जाएगा, किस प्ली की बुनियाद पर जरदारी साहब को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाएगा, वो सारा जो मामला है उसको सेटल कर लिया गया है। तो अब जहां तक बात है कि कब तक ये चीज लाइमलाइट में आती है, तो जो खबर है वो यही है कि वो बख्तावर भुट्टो की शादी के बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर रवाना होने के बारे में जो है वो संजीदा हैं, वो सोच रहे हैं, और उन्होंने भी यही फैसला किया है कि अगर मियां साहब ये वाला रूट लेकर पाकिस्तान से बाहर जाके बैठकर पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो सकते हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वो वहाँ पर बैठकर पीडीएम की तमाम तरह एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बन रहे हैं, वो अपेरेंटली ठीक ठाक नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी यही प्ली ले रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। और अब तो मियां साहब के केस में पासपोर्ट की एक्सपायरी का मसला भी सर पर है, वीज़ा एक्सपायरी का मसला भी सर पर है, लेकिन मियां साहब भी और नून लीग भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस सूरत में इससे इनकरेजमेंट मिली है पीपल्स पार्टी को भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी कि उन्हें भी इन लाइन्स पर सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये भी बात है कि गवर्नमेंट भी कुछ हद तक उनके इस ख्याल से अब अवेयर है एंड दे आर सॉर्ट ऑफ माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जरदारी साहब भी अब डाउन दिस रोड जाने वाले हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसी वजह से गवर्नमेंट के एंड पर भी मशावरत का, कंसल्टेशन का सिलसिला जो है वो शुरू है कि अगर कोई इस तरह की सिनेरियो डेवलप होता है कि जरदारी साहब भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो फिर क्या मामला होगा। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, सवाल ज़रूरी इसलिए है कि पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए पहले ही जो उनके माजी के दावे हैं वो इस वक्त गले उनके पड़े हुए हैं, क्योंकि एक क्लेम ये था कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, और फिर वो चोर डाकू किन किन लोगों को लेबल करते रहे पिछले पूरे अगर 5 साल को उठा के देखे तो वो यही लोग हैं। अब उनमें से जो सबसे बड़ा उनका टारगेट रहा वो नवाज शरीफ रहे, और नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त उन्हीं की दौरे हुकूमत में कन्विक्टेड होने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। अब अगर दूसरा टारगेट जो है, जो टॉप टारगेट है जरदारी साहब, वो भी पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं और वो कामयाब हो जाते हैं
पाकिस्तान से बाहर जाने में, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के नैरेटिव के लिए, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से यह हुकूमत जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, कि जब भी कोई टैंजिबल काम की बात करें, किसी टैंजिबल गवर्नेंस इशू की बात करें, कि कौन सा ऐसा काम है जो कि अभी तक हुकूमत कर रही है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, सवाल करें, तो वही एक पुराना रिकॉर्ड जो है वो चल पड़ता है कि हम करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन आज तक कौन करप्ट लोग हैं जिनका ये एहतसाब कर सके हैं, कौन सा ऐसा करप्ट है बकौल इनके जिसके खिलाफ ये कुछ साबित कर सके हैं। एंड अब ये वाला सिलसिला कि पहले मियां साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं है और ये जितना चाहे उसको लेकर एक इमोशनल तकरीर रोज़ शाम को इनके लोग टीवी पर करें, मियां साहब ना वापस आ रहे हैं, और मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ पहले कि ना वो कोई इरादा रखते हैं, और अब जरदारी साहब जो है वो नेक्स्ट इन लाइन है। सो लेट्स सी कि जरदारी साहब का जो ये एक प्लान है ये कितना कामयाब होता है। अगर जरदारी साहब इस लाइन पर जाते हैं और इस ऑप्शन को अवेल करने के बारे में संजीदा नज़र आते हैं तो हुकूमत क्या उनके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाएगी, या फिर गुड रिडेंस वाली जो पॉलिसी कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां साहब के साथ भी अडॉप्ट की गई है उसको ऑन नहीं करते, तो वही वाली पॉलिसी अब यहाँ पर भी अडॉप्ट की जाएगी। और इसमें एक बात ये भी समझने की है कि जरदारी साहब जहाँ पर ये जो सारा एक अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव यहाँ पर बिल्ड हो रहा है उससे उसको एस्केप करने के लिए पाकिस्तान से जाना चाहते हैं और यही वाला रूट लेना चाहते हैं कि वो अपनी सेहत की प्ली पर बाहर जाना चाहते हैं, वहीं पर एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि उनके जितने भी मामलात हैं इस वक्त करप्शन रिलेटेड केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी कुछ ऐसा बैगेज है जिसको जरदारी साहब के साथ एसोसिएट या अटैच किया जाता है और पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर जाकर उसको लेकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई मनूवरिंग करना चाहते हैं इसके अंदर। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऑफकोर्स जो बाइडन एक नया सेटअप अभी आ रहा है अमेरिका में वो भी शामिल है, कुछ अरब ममालिक की सपोर्ट भी शामिल है, क्योंकि इतलात ये भी हैं कि जरदारी साहब अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो फिर उनका फोकस अरब ममालिक एंड ऑफकोर्स स्पेसिफिकली दुबई की तरफ ही है, वो फिलहाल दुबई जाने के बारे में गौर कर रहे हैं। तो ये भी एक खबर है कि जरदारी साहब का ये ख्याल है कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं इस वक्त, तो ये वक्त ऐसा है कि चेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, और वो उसके अंदर अपने लिए कोई सॉफ्ट स्पॉट या कोई हमदर्दी जो है वो मनूवर करने में कामयाब हो सकते हैं, और वो शायद इस तरह की कोई मदद चाहते हैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स से, ताकतों से, कि उनके जो मामलात हैं पाकिस्तान में वो सेटल हो सकें और जरदारी साहब का वो जो खाता है, जो बैगेज है, वो क्लियर करने में उनकी कोई मदद कर सके। सो लेट्स सी आने वाला वक्त बताएगा कि जरदारी साहब जो है वो ये ऑप्शन लेते हैं, अगर लेते हैं तो गवर्नमेंट इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, अगर गवर्नमेंट जाने देती है तो फिर हुकूमत की असल में पॉलिसी क्या है इन लोगों को लेकर, इसके ऊपर ऑफकोर्स एक सवालिया निशान होगा। लेकिन लेट्स सी आने वाले कुछ दिनों में ये जो सूरत हाल है ये जो है वो मज़ीद वाजे हो जाएगी। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।